अमेरिका को एक बहुत जोर से झटका मिला है भारत की तरफ से। All of this was happening in the United States of America. Now, normally India would not react to something like this. And as a matter of fact, India has finally responded. जो चीज़ हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं कि साहब फ्रंट फुट पे आके अभी छक्के मारिए, हम पूरे देश आपके साथ खड़ा है, ऐसी क्या बात है। आज भारत ने पहली बारी यूएसए को एक बहुत हार्ड जवाब दिया है। We do not sanction countries, we do not comment on internal matters, and we certainly do not advise. But this time, India has broken that policy. The Ministry of External Affairs has reacted to the college protests. It had some advice for the White House. और अब इंडिया ये कह रहा है अमेरिका को कि जो जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसको जज किया जाता है कि वो घर में कैसी है और बाहर कैसे है। In every democracy, there has to be the right balance between freedom of expression, sense of responsibility and public safety and order. Democracies in particular should display this understanding in regard to other fellow democracies. After all, we are all judged by what we do at home and not what we say abroad. ये नहीं कि बाहर आप जो है वो प्रोटेस्ट करने वालों को और बाकी ममालक को लेक्चर दें और घर में आप जो है वो खामोश हो जाएं। डर लगता है लोगों को भारतीयों से अब क्योंकि जैसे ही आप अगेंस्ट जाओगे भारत के तो बीजेपी आईटी सेल तो बाद में पहले ही बाकी के लोग आपको खा जाएंगे ट्विटर पे। आज इंडियंस ने भी इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया कि जी इंडिया अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हैं इंडिया की जमहूरियत के बारे से और ह्यूमन राइट्स के बारे से इंतहाई बायस्ड है, ठीक है जी, और अमेरिकन्स को इंडिया का पता ही नहीं है और हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मतलब ये क्या ऐसी चीज है, ये तो मैं समझता हूँ, ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। एक प्रॉब्लमैटिक चीज इस सेंस में है कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट जारी है, दूसरी तरफ तीन दिन पहले आप रिपोर्ट निकाल रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, और उस ह्यूमन राइट्स के अंदर रिपोर्ट के अंदर आप दुनिया के हर मुल्क को जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, हर दुनिया के मुल्क को लेक्चर दे रहे हैं, और उस लेक्चर को आप ये शायद तासुर देना चाहते हैं, तासुर ये देना चाहते हैं कि भैया आपके मुल्क के अंदर जो है वो सिविल राइट्स की लिबर्टी, सिविल लिबर्टीज नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो है वो इंसानी हकूक पूरी तरह नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेटिक जो आपका नंबर है वो नीचे आ गया, पार्लियामेंट जो है वो परफॉर्म सही नहीं कर रही, जो एथनिक वायलेंस बढ़ गया है, मीडिया की फ्रीडम जो है वो कर्टेल हुई हुई है। मतलब आप दुनिया को तो ये कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि आप ये बातें पाकिस्तान के किसी शख्स से नहीं सुनेंगे, और क्यों नहीं सुनेंगे ये भी एक क्वेश्चन है। अभी दो दिन पहले एक रिपोर्ट जब ये आई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, जिसमें इंडिया का भी जिक्र है, ठीक है, और अब हुआ क्या कि एक तरफ तो इस रिपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में थी, पाकिस्तान के मीडिया ने उसे थोड़ा सा डिस्प्ले किया और उसके बाद उसको लिफ्ट नहीं कराई। इंडियंस ने क्या किया, वो भी डिस्प्ले नहीं करते, वो उल्टा क्रिटिसिज्म करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना कोई उस रिपोर्ट को डिस्प्ले करता है, ना कोई उस पर कमेंट करता है, ना कोई उसको हाईलाइट करता है। थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर कोई आ जाएगी बात, और पर्टिकुलरली मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अमरीका के लिए मसला पैदा हो गया, ये जो हाल ही में ये जो फिलिस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से जो साइलेंस थी, मतलब इस साइलेंस ने पकड़ के अमेरिकन को बड़ी मुश्किल में डाल दिए। अब वो कहेंगे कि आपने तो दो किस्म के निज़ाम रखे हुए हैं, एक निज़ाम तो ये है कि आप क्रिटिसिज्म करेंगे दुनिया के हर उस मुल्क को जिसमें थोड़ी सी भी कोई बात होती है, वहां पे जी वहां पे डेमोक्रेसी जी बैक स्लाइड कर गई है। मतलब पाकिस्तान की पूर डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी नहीं दी है, अमेरिकी हुकूमत ने। चले कोई नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है, जितने वहां मारे गए हमास ने कोई 1100 के करीब जो है वो इसराइलियों को मारा तो एक भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इसराइल ने बदला उस सेंस में लिया कि उन्होंने वो बदला, जारी बात है हमास ने थोड़ी लेना था वो बदला, तो फिर गजा की आवाम से लिया जाना था। मैंने तो शुरू में जब ये हुई थी जंग शुरू तो मैंने ये कहा था कि हमास जो है उसने बहुत बुरा किया। अब अमेरिका के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, उनकी पॉलिसी के लिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंजिंग स्पेस है,
और सारी जितनी भी ईस्ट कोस्ट के ऊपर यूनिवर्सिटी हैं, ईस्ट कोस्ट के ऊपर जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज वॉशिंगटन है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, टफ्ट है, बॉस्टन है, एमर्सन कॉलेज है, हार्वर्ड है, येल है, ये जितनी भी कोलंबिया है, फिर देन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, ओहायो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है, ये जो ईस्ट कोस्ट पे है वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कोस्ट पे यूसी बर्कले जो स्टैनफोर्ड में हुआ है, और जो कैलिफोर्निया स्टेट पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिस में साउथ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो ये एक राइस यूनिवर्सिटी साउथ में प्रोटेस्ट हो, सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो लार्जली वो काम जो वहां पे राइट्स ग्रुप नहीं कर सके, मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी, और आपको पता है यूनिवर्सिटियों के हवाले से ये एक चीज होती है कि अमूमन लोग डरते हैं, स्टूडेंट्स डरते हैं, परेशान होते हैं कि अगर हमने ये प्रोटेस्ट किए तो शायद इसका हमें नुकसान हो सकता है, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस हमें वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मे बी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन प्रोटेस्टर्स के थीम से तो एग्री नहीं कर रही होगी, लेकिन जिस अंदाज से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत रिस्पॉन्स कर रही है उसके ऊपर इंडियन हुकूमत जो है वो जरूर उसको मसला होगा। अब वो कहते हैं जी फ्री पैलेस्टाइन। अच्छा मैं बस एक बात बताऊं, आप डॉक्टर जयशंकर को अगर सुने तो डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए फलस्तीन के हवाले से, और जो इंसानी हकूक के हवाले से जो डिस्प्रोपोर्शनेट एक वायलेंस हुआ है, ठीक है, ये बंद होना चाहिए, ये उस हवाले से वो बात वो करते हैं, उन्होंने ये बात की है। बेशक इसराइल के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन उन्होंने ये बात जरूर की है। अब जो इंडिया की जो फॉरेन जो ऑफिस है वो लगा हुआ है इस हवाले से बोल रहा है, और मुझे लगता है कि ये क्योंकि अमेरिकन को आदत है वो हर मुल्क के हवाले से वो करते हैं, वो इसलिए उनको आदत है बिकॉज दे पे एवरी कंट्री, दे हैव जिसे वो कहते हैं ना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है। जिन भी कंपनीज ने डीडॉलराइजेशन और ये फाइनेंशियल रीसेट सरवाइव करना है, वेस्टर्न कंपनीज, उनको भारत के कंडीशन पे वर्क करना पड़ेगा। भाई हम कंज्यूमर मार्केट है, वी विल कॉल द शॉट्स। तुम टेस्ला कार नहीं दोगे तो भारत में कोई कार नहीं होगी क्या, राइट? तो टेक्नोलॉजी कोई अपने प्रोडक्ट खुद नहीं खा जाएगा, आपको ह्यूमन बींग्स चाहिए कंज्यूम करने को, तो प्रॉफिट होगा। चाहे कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी हो आपके पास, जाओ जुपिटर पे जाके ह्यूमन बींग्स ढूंढो बेचने के लिए टेस्ला है, भूल जाओ फिर ये इतना बड़ा मार्केट। तो वी एज अ कंज्यूमर बेस वी आर गोइंग टू कॉल द शॉट्स, इसके लिए वर्ल्ड तैयार हो जाए, भूल जाए ये दिमाग में अगर कुछ किसी के डिल्यूजन है कि वो डोमिनेट करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि आपको एक्सेस मिलना है नहीं मिलना है इस मार्केट का, तो भारत के रूल्स के तहत होगा। कल को अगर भारत चाहता है कि कंपनी भारतीय हो जाए तो वो भी करना पड़ेगा उस बिजनेसमैन को, ठीक। तो ये जो मेंटालिटी है, क्योंकि रशिया और चाइनीज कस्टमर तो वो एक्सेस तो मिलने ही नहीं वाला, वो मैं आपको लिख के दे देता हूं, वो दोनों मार्केट नहीं मिलने वाले, राइट? तो फिर अगर आपको प्रॉफिट करना है तो कौन बचा है? तो ये जो फ्रिक्शंस हैं, अभी थोड़ी देर के लिए रहेंगे, इलेक्शन रिजल्ट के बाद मुझे नहीं लगता भारत के अलावा कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी में कोई स्वीट स्पॉट बचा है जहां पे पॉपुलेशन अपना परचेजिंग पावर खुद अर्न करके स्पेंड कर सके।